ये आकाशवाणी है। हम लोग मुजरिम हैं। आज प्रस्तुत है श्री वी एस एन कैम्फर का लिखा ये उर्दू नाटक, हम लोग मुजरिम हैं। मीना, सुना नहीं तूने? सुन तो रही हूँ, कहो क्या बात है? जरा मुझे एक गिलास पानी ला दे। मैं नहीं ला सकती। क्यों, क्या तकलीफ है तुझे? तू देख तो रही है कि मैं स्कूल का काम कर रही हूँ। आशा को आवाज दे कि तुझे पानी ला दे। बड़ी आई स्कूल का काम करने वाली, घर का काम करती नहीं, स्कूल का काम करेगी, काम चोर कहीं की। चल जा जाकर एक गिलास पानी ला के दे मुझे। मैं नहीं जाऊंगी, खुद जाकर पी ले। ये बात है तो ले पकड़ अपना फटा हुआ कुर्ता, खुद ही सी लेना। मैं किसी की नौकरानी नहीं हूँ यहाँ। रहने दे इसे, मैं खुद ही सी लूंगी। हाँ, और मुझे अब पढ़ने दे। तो तू नहीं जाएगी? कह तो दिया मैं नहीं जाऊंगी। अच्छा, आने दे माँ को, तेरी मरम्मत ना करवाई तो मुझे कहना। मैं पूछती हूँ तेरा जोर मुझ पर ही क्यों चलता है? इस घर में और भी तो है, आशा है, उषा है, मंजू है। विनोद तो खैर बीमार है, लेकिन ये बाकी जनता किस मर्ज की दवा है? इनमें से किसी को कहो कि तुम्हें पानी ला दें। आशा है कहाँ? किचन में होगी। बड़ी बदतमीज है तू। आशा, अरे ओ आशा। क्या है दीदी? क्या कर रही है तू? क्यों? पहले मेरी बात का जवाब दे। मैं खाने के बर्तन साफ कर रही हूँ। और उषा कहाँ है? उषा विनोद के पास बैठी है। विनोद के सिर में दर्द है, उसका सर दबा रही है। और मंजू? मंजू साथ वालों के घर गई है रेडियो सुनने। रेडियो सुनने? हाँ, आज बच्चों का प्रोग्राम है ना, वही सुनने गई है। मतलब ये कि इस घर में सभी मसरूफ हैं, एक मैं ही बेकार हूँ। चलो कोई बात नहीं। मुझे किस लिए बुलाया था दीदी? एक गिलास पानी मिलेगा आशा? जरूर मिलेगा दीदी, दो चार बर्तन रह गए हैं, उनसे निपट कर पानी ला दूंगी आपको। अच्छा रहने दे, तू जा, मैं खुद ही पी लूंगी। मैंने तो पहले ही कहा था कि खुद जाकर पी ले, इस घर में कोई किसी का काम नहीं करता। हे भगवान, मैं कहाँ फंस गई। कौन? बीना, दरवाजा खोलो। आई माँ। माँ, अच्छा हुआ तुम आ गई, अब तुम संभालो अपने घर को, मैं जा रही हूँ। तू जा रही है? कहाँ जा रही है? अपना सर फोड़ने जा रही हूँ। अब फिर क्या हो गया? मैं जरा घर से निकलती हूँ और तुम लोग आपस में लड़ने मरने लगते हो। मीना, क्या बात हुई? तूने कुछ कहा है वीना को? नहीं तो, ये झूठ बोल रही है माँ। इन सब ने मिलकर मेरा नाक में दम कर दिया है। पूरे घंटे से पानी का एक गिलास मांग रही हूँ, लेकिन इस घर में कोई सुनता ही नहीं। इतने सारे बच्चे इकट्ठे कर लिए हैं तुमने माँ, और इनमें से एक भी काम कर रही ना। क्या बक रही है तू? ऐसी भी क्या मुसीबत थी, तू खुद ही उठकर पानी पी लेती। माँ, मैंने तो इसे पहले ही कहा था कि आप ही जाकर पानी पी ले। अच्छा अच्छा, अब मैं और कुछ नहीं सुनना चाहती। आशा कहाँ है? उषा, विनोद की तबीयत कैसी है? विनोद की तबीयत कुछ ज्यादा खराब है, बुखार तेज हो गया था दोपहर को, सर में भी दर्द था, अभी अभी सोया है माँ। अच्छा, ये ले, ये दवा विनोद के लिए है, जब सोकर उठेगा तो उसे खुराक दूध के साथ पिला देना। सुन, दूध तो है ना घर में, थोड़ा बहुत तो होगा। मैं आशा से पूछती हूँ। आशा, आशा, क्या है जी? माँ पूछ रही है दूध है घर में? विनोद को दवा देनी है दूध के साथ। सिर्फ चाय के लिए दूध है, अब पापा भी आते ही होंगे, वो आते ही चाय मांगते हैं। अच्छा अच्छा, ये ले एक रुपया, तुम में से कोई बाजार से पाव भर दूध ले आए। आशा, तू चाय का पानी आग पर रख दे। और वो छोटी कहाँ है? मंजू साथ वालों के घर गई है बच्चों का प्रोग्राम सुनने। अच्छा अच्छा, अब तुम लोग लड़ाई झगड़ा नहीं करना, पापा के आने का वक्त हो गया है, मैं चलकर जरा विनोद को देखूं। कर ली शिकायत माँ से? क्या मिला तुम्हें शिकायत करके? मैं तुझे अभी बताती हूँ। तू मुझ पर हाथ उठाएगी? तू मार के देख मुझे। मैं तुझे कच्चा खा जाऊंगी, तू समझती क्या है अपने आप को? तू क्या समझती है अपने आप को? मैं तू
तू समझती है मैं तुझ पर हाथ नहीं उठाऊंगी? तू बड़ी है तो क्या हुआ, ये ले। तूने मुझे मारा? हाँ। तेरी तू तू समझ तू, तू, तू मैं और मारूंगी तुझे। छोड़ ले ले, छोड़ ले। नहीं छोड़ूंगी, नहीं छोड़ूंगी, मैं कभी नहीं छोड़ूंगी। पहले तू छोड़, छोड़ तू मुझे छोड़। क्या हो रहा है, क्या हो रहा है, ये शर्म नहीं आती तुम दोनों को? अरे ये क्या हो रहा है, जो हैवानों की तरह एक दूसरे से लड़ रहे हो? जरा सी शराफत हो तो डूब के मर जाओ तुम दोनों, नालायक कहीं के। पापा बात ये है, मैं कुछ नहीं सुनना चाहता, दूर हो जाओ मेरी नजरों से, जाओ निकल जाओ यहाँ से। हे भगवान, तुम मुझे कौन से गुनाहों की सजा दे रहा है? मैंने तो सोचा था एक घर होगा, घर में बीवी होगी, बच्चे होंगे, आराम होगा, खुशियां होंगी, लेकिन ये तो वो घर नहीं जिसके बारे में कभी सोचा था। इस घर में तो जीना मुश्किल हो गया है, अब ये घर नहीं रहा, अब ये जहन्नुम है, जहन्नुम। तुम आ गए, बड़ी देर कर दी आज। हाँ, आते आते हो गई। तुम्हारी तबीयत कैसी है, विनोद का क्या हाल है? मेरी तबीयत तो जो है सो है, विनोद की हालत अच्छी नहीं। क्यों, क्या बुखार नहीं उतरा? सुबह तो कम था। दोपहर में बुखार तेज हो गया था, सर में भी दर्द था। तुम डॉक्टर के पास गई होती? मैं डॉक्टर के पास गई थी, उसने विनोद की दवा बदल दी है, तुम्हारे आने से पहले नई दवा की खुराक दूध के साथ मिलाकर पिला दी है, इस वक्त उसे कुछ आराम है। विनोद की बीमारी ने मुझे परेशान कर दिया है। भगवान ने चाहा तो ठीक हो जाएगा, इस वक्त तो सो रहा है। तुम्हें कुछ खबर है? क्या? जब मैं घर में दाखिल हुआ तो हमारी दोनों बड़ी लड़कियों में हाथापाई हो रही। मरने दो इनको, लो आशा तुम्हारे लिए चाय ले आई है। लेकिन मुझे ऐसी हरकतों से बहुत कोफ्त होती है। पापा चाय पी लो वरना ठंडी हो जाएगी। ये दूसरा कप तुम्हारे लिए है माँ। अच्छा, और सुनो आशा, तुम सब्जी वगैरह काट कर रखो, मैं अभी आती हूँ। जी अच्छा। सुनो, मैं आज खाना नहीं खाऊंगा और मुझे अभी और एक काम से बाहर जाना है। अब किस लिए जाना है? अरे तुम्हारे लिए पैसों का बंदोबस्त भी तो करना है, आज 20 तारीख हो गई है, तुम्हें जो पैसे दिए थे वो सब तो खर्च हो गए होंगे। हाँ। अच्छा तो मैं चलता हूँ, विनोद को देखती रहना। बड़ी देर कर दी। हाँ, जिससे मिलने गया था वो तो मिला नहीं, फिर किसी दूसरे के पास जाना पड़ा। पैसों का इंतजाम हो गया? हाँ हो गया। बच्चे सो गए? हाँ सो गए। और विनोद? सो गया है वो भी। कुछ खाया उसने? हाँ थोड़ा सा दूध पिया। चलो हम भी चलकर सो जाएं। शकुन, एक बात पूछूं? पूछो। हम लोग इतने दुखी क्यों हैं? शायद हम लोगों ने जिंदगी को कभी अच्छी तरह समझा नहीं। तो क्या हम लोग बेवकूफ हैं? सोचो अब। शकुन जी, मैं तो हमेशा के लिए सो जाना चाहता हूँ। ऐसा बस सोचो, सो जाओ अब। अच्छा अच्छा, विनोद कुमार वर्मा बल पृथ्वीराज वर्मा अदालत में हाजिर हों। पृथ्वीराज वर्मा बल सूरज प्रकाश वर्मा और उनकी बीवी शकुंतला देवी वर्मा भी अदालत में हाजिर हों।
मुकदमे के दोनों फरीकैन हाजिर हैं तो मुकदमा पेश किया जाए। हुजूर, मुकदमे के दोनों फरीकैन हाजिर हैं, दोनों के गवाह भी हाजिर हैं। मुद्दई कौन है? हुजूर, मुद्दई है विनोद कुमार वर्मा, उम्र 6 साल। और मुलजिम? मुद्दई के माँ बाप यानी पृथ्वीराज वर्मा और शकुंतला देवी वर्मा। मुद्दई के वकील को इजाजत है कि वो अपना मुकदमा बयान करे। मिलॉर्ड, मेरा मुवक्किल विनोद कुमार, जिसकी उम्र 6 साल है, हुजूर की अदालत में इंसाफ की भीख मांगता है। वकील साहब, ये अदालत है, कोई बनिए की दुकान नहीं, और इंसाफ इंसाफ है, कोई खैरात नहीं। आप अच्छी तरह जानते हैं कि मुल्क के हर बाशिंदे को इंसाफ हासिल करने का पूरा पूरा हक है, इसलिए पहले आप मुद्दई की नालिश बयान कीजिए। मिलॉर्ड, मुद्दई विनोद कुमार अपनी 6 साल की छोटी सी उम्र में जीने से बेजार हो चुका है। जिंदा रहने के लिए कम से कम आसाइश भी इसको मुयस्सर नहीं। अगर इस बच्चे की जिंदगी एक तल्ख जाम है तो इसके सबब विनोद कुमार के माँ बाप हैं। सवाल यह पैदा होता है मिलॉर्ड, कि जो मियाँ बीवी बच्चे को पालने पोसने की हिम्मत ना रखते हों, उन मियाँ बीवी को माँ बाप बनने का कोई हक नहीं। इसलिए मिलॉर्ड, इंसाफ की नजरों में विनोद कुमार की पैदाइश एक मुजरिमाना फेल था, जिसके लिए मुद्दई के माँ बाप को कसूरवार ठहराया जाए। मुलजिम का वकील अदालत को यह बताए कि मुलजिम पृथ्वीराज वर्मा और शकुंतला देवी वर्मा के कुल कितने बच्चे हैं? मिलॉर्ड, पृथ्वीराज वर्मा और शकुंतला देवी वर्मा के कुल 6 बच्चे हैं। मेरा मुवक्किल विनोद कुमार अपने वालिदैन का 6ठा बच्चा है, यानी 5 बहनों का इकलौता छोटा भाई। यानी 5 बहनों का एक लाडला भाई। मिलॉर्ड, माँ बाप या बहन भाइयों के लाड प्यार से तो पेट नहीं भरता। हकीकत यह है कि विनोद कुमार की जिंदगी एक बोझ है, उसके वालिदैन के लिए और खुद उसके लिए भी। और इस लानत की बुनियादी वजह यह है कि मेरे मुवक्किल के वालिदैन माली और इक्तिसादी तौर पर बिल्कुल इस काबिल नहीं थे कि वो लगातार 6 बच्चे पैदा करते। ऑब्जेक्शन मिलॉर्ड। व्हाट इज द ऑब्जेक्शन? मुद्दई का वकील इस मुकदमे को एक दर्दनाक कहानी की सूरत में पेश कर रहा है। अदालत को इस बात से इनकार नहीं होगा कि कहानियों का वास्ता मबालगे से ज्यादा और हकायक से कम होता है। मुद्दई का वकील अदालत को यह बताए कि उनके पास इस अम्र का क्या सबूत है कि मुद्दई के वालिदैन की माली हालत 6 बच्चों का बोझ बर्दाश्त करने के काबिल नहीं। यस योर ऑनर, मेरे पास चंद ठोस सबूत हैं। अगर इजाजत हो तो गवाह पेश करूं। इजाजत है। मेरे पहले गवाह हैं SL कपूर, जो कि मुलजिम पृथ्वीराज वर्मा के दफ्तर के ऑफिसर इंचार्ज हैं। मिस्टर कपूर, आपने इस अदालत में सच बोलने की कसम खाई है। अच्छा, तो अदालत को यह बताइए कि आप पृथ्वीराज वर्मा को कितना और कब से जानते हैं? पृथ्वीराज वर्मा मेरे दफ्तर में पिछले 12 साल से एक असिस्टेंट की हैसियत से मुलाजिम हैं। आप असिस्टेंट बनने से पहले UDC थे। मतलब ये कि आप पृथ्वीराज वर्मा को पिछले 12 साल से तो जानते हैं। जी हाँ। इनके काम के बारे में आपकी क्या राय है? इनके काम से दफ्तर को कोई शिकायत नहीं। मिस्टर कपूर, एक 12 साल पुराने असिस्टेंट को हर महीने कितनी तनख्वाह मिलती है? ये समझिए कि कट कटाकर कोई 800-850 रुपए मिल जाते हैं। हाँ, अगर कटौती ज्यादा हो तो लाजमी तौर पर महाना रकम कम हो जाएगी। आपकी इतला के मुताबिक पृथ्वीराज वर्मा को हर महीने कितनी रकम बतौर तनख्वाह मिलती रही होगी? पृथ्वीराज वर्मा ने अपने GP फंड से 3 एडवांस ले रखे हैं, इसलिए इनकी तनख्वाह की रकम हर महीने लगभग 450 रुपए तक बैठती है। शुक्रिया कपूर साहब, मुझे और कुछ नहीं पूछना। शायद मुलजिम के वकील को कुछ पूछना हो। मिस्टर कपूर, जरा अदालत को ये बताने की जहमत कीजिए कि पृथ्वीराज वर्मा ने जो अपने GP फंड से वक्तन फवक्तन पैसे निकलवाए, वो पैसे किस काम में सर्व करने के लिए निकलवाए गए? ज्यादातर अपनी बीवी के इलाज के लिए। शुक्रिया, मुझे और कुछ नहीं पूछना। मिलॉर्ड, मुझे अपने गवाह नंबर 2 को पेश करने की इजाजत दी जाए। इजाजत है। आपका नाम? बंदे को गुलिस्तान खान बोलता है। गुलिस्तान खान, आप पृथ्वीराज वर्मा को कब से और कैसे जानते हैं? को हुजूर, को बात ये है कि पृथ्वीराज हमारा पुराना दोस्त है।
ये बहुत शरीफ इंसान है हुजूर। गुलिस्तान खान आप भी तो शरीफ इंसान हैं। हुजूर का बहुत बहुत शुक्रिया। गुलिस्तान खान, क्या ये ठीक है कि आपने पृथ्वीराज वर्मा को काफी बड़ी रकम बतौर उधार दे रखी है? बात ये है सरकार कि दोस्तों में तो थोड़ा बहुत उधार चलता रहता है। उधार की कुल रकम कितनी है? सरकार आप क्या करेगा पूछ के। गुलिस्तान खान, आपको मालूम है कि अदालत से वाकयात को पोशीदा रखना एक जुर्म है। खूब बात यह है सरकार कि उधार का कुल रकम कोई 1,000 रुपये। शुक्रिया गुलिस्तान खान, योर विटनेस। गुलिस्तान खान, आप जो वक्त ब वक्त मेरे मवक्कल को उधार देते रहे, तो वो किस गरज से? इमदाद के तौर पर या सूद कमाने के गरज से? हम सूद खोर नहीं है सरकार, खुदा कसम सूद खाना हमारे लिए आराम में। खूब पृथ्वीराज हमारा दोस्त है, भाई है, इसका छोटा छोटा बच्चा लोगे, हमको बच्चा लोग अच्छा लगता है। हम बच्चा लोग की खातिर पृथ्वीराज की मदद करता है। को हुजूर, जब उसका हाथ तंग होता है, अगर पृथ्वीराज भी हमारा पिस्सा खा जाए तो खुदा कसम हमको कोई परवाह नहीं। लेकिन पृथ्वीराज एक एक शरीफ आदमी है, वो हमको हर महीने कुछ न कुछ देता रहता है। गुलिस्तान खान, शुक्रिया। अब हम जा सकते हैं हुजूर? आप जा सकते हैं। और कोई गवाह है? मिलॉर्ड, मैं तीसरे गवाह को पेश करने से पहले ये कहना चाहूंगा कि मैंने ये तो साबित कर दिया कि मुलजिम की तनख्वाह 450 रुपये है। जाहिर है इतनी तनख्वाह में 6 बच्चों को पालना बिल्कुल नामुमकिन है। बल्कि योर ऑनर, मैं तो ये कहूंगा कि अगर मुलजिम पृथ्वीराज वर्मा की माहाना आमदनी 450 की बजाय 2,500 भी होती, तो भी उनको 6 बच्चे पैदा करने का कोई हक नहीं। हर बच्चा जो पैदा होता है वो अपने माँ बाप के लिए एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी का बायस होता है। अगर ऐसी अहम जिम्मेदारी को निभाने में जरा भी कसर रह जाए तो वो बच्चा खुद अपने माँ बाप के लिए नहीं बल्कि सारे मुल्क के लिए एक गैर जरूरी बोझ बन के रह जाता है। होशमंद और जिम्मेदार वालदैन मुल्क की मुश्किलात को हमेशा पेश नजर रखकर जिंदगी बसर करते हैं। हर शहरी का यह फर्ज है कि वह मुल्क की मुश्किलात में मुल्क का हाथ बटाए। अगर ऐसा करने के बजाय कम पहम और गैर जिम्मेदार वालदैन जरूरत से ज्यादा बच्चे पैदा करके मुल्क की परेशानियों में इजाफा करेंगे तो वो मुजरिम ही करार दिए जाएं। वकील साहब, मुकदमे की नौइयत जाहिर है, आप अपना अगला गवाह पेश कीजिए। मिलॉर्ड, मुझे लेडी डॉक्टर शीला डिकोस्टा से चंद सवाल पूछने की इजाजत दी जाए। इजाजत है। डॉक्टर डिकोस्टा, क्या आप प्राइवेट प्रैक्टिस करती हैं? जी नहीं, मैं सरकारी मुलाजिम हूँ। आप शकुंतला देवी वर्मा को जानती हैं? जी हाँ, बड़ी अच्छी तरह से जानती हूँ। वो कैसे? इनके आखिरी 3 बच्चे मेरे ही हाथों में पैदा हुए हैं। फिर तो उनके 6ठे बच्चे यानी मुद्दई विनोद कुमार की सेहत के बारे में तो आप जानती होंगी। विनोद कुमार और उसकी वालदा दोनों मेरे पास अक्सर इलाज के लिए आते हैं। दोनों की सेहत ठीक नहीं है, बल्कि विनोद कुमार की सेहत तो बिल्कुल तसल्ली बख्श नहीं। डॉक्टर डिकोस्टा, आपकी राय में विनोद कुमार की सेहत खराब रहने की बुनियादी वजह क्या हो सकती है? विनोद कुमार अपने माँ बाप का 6ठा बच्चा है, इसलिए पैदाइश से ही जिस्मानी कमजोरी और कम वजनी का शिकार है। फिर अच्छी खुराक की कमी और देखभाल में लापरवाही से सेहत खराब रही है। बल्कि मेरा तो ये ख्याल है कि अगर विनोद कुमार की सेहत का यही हाल रहा जो इस वक्त है तो वो टीबी का शिकार हो सकता है। सवालों का सिलसिला जारी रहे। डॉक्टर डिकोस्टा, क्या आपको कभी भी शकुंतला देवी वर्मा को समझाने का मौका नहीं मिला? किस बारे में? यही कि हर साल एक बच्चा पैदा करना कोई अकलमंदी नहीं बल्कि जहालत है। मैं खुद ज्यादा बच्चे इकट्ठे करने के हक में नहीं। मेरी शादी को 15 साल हो गए और मेरे सिर्फ 2 बच्चे हैं, 1 लड़का और 1 लड़की। बाकी रही बात शकुंतला देवी को समझाने की, तो मैंने इस काम में अपनी तरफ से पूरी कोशिश की। बल्कि मैंने इनके 4थे बच्चे की पैदाइश के फौरन बाद इनका ऑपरेशन करना चाहा, लेकिन वो मानी नहीं। वो क्यों? वकील साहब,
शकुंतला देवी की बीमारी का इलाज ना तो हकीम लुकमान के पास था और ना ही आजकल के डॉक्टरों के पास है। क्या मतलब? बात यह है वकील साहब कि शकुंतला देवी के नजदीक जिंदगी की सबसे बड़ी खुशी इसी में थी कि वो एक बेटे की माँ बनती। चुनाचे वो इस खुशी की तलाश में 5 बेटियों की माँ बन गई और 5 लड़कियों के बाद एक लड़का आया भी। तो क्या आया? शुक्रिया डॉक्टर डिकोस्टा, मुझे आपसे और कुछ नहीं पूछना। शायद मुलजिम के वकील कुछ पूछना चाहें। मिलॉर्ड, मुझे इनसे कुछ नहीं पूछना। क्या मुद्दई के और भी गवाह हैं? मिलॉर्ड, मुझे 2 गवाह और पेश करने हैं और इनसे 2-2 सवाल पूछने की इजाजत चाहूंगा। इजाजत है। आपका नाम? शर्मा। पूरा नाम बताइए। श्री राम शर्मा। मिस्टर शर्मा, आप किसी स्कूल में पढ़ाते हैं? जी हाँ, मैं हाई स्कूल में प्राइमरी टीचर हूँ। क्या ये सच है कि मुद्दई विनोद कुमार वर्मा आपके स्कूल में पढ़ते हैं? पढ़ते थे। क्या मतलब? 2-3 महीने पहले, लेकिन अब नहीं, बीमारी की वजह से। वैसे विनोद कुमार एक बहुत जहीन और होनहार लड़का है, लेकिन उसकी परवरिश में बड़ी लापरवाही बरती जा रही है। मिसाल के तौर पर? अब मैं क्या बताऊं वकील साहब, कभी कॉपी होती है तो पेंसिल नहीं होती, जूते होते हैं तो जुराबे नहीं होती, और जेब में 2-4 पैसे तो क्या, एक रुमाल भी नहीं होता। ये छोटी छोटी बातें हैं, लेकिन एक स्कूल जाने वाले बच्चे की देखभाल में निहायत जरूरी है, वरना आज के बच्चे कल के अच्छे शहरी कैसे बनेंगे? शर्मा साहब, शुक्रिया, मुझे और कुछ नहीं पूछना। मुलजिम के वकील को कुछ पूछना है इस गवाह से? नो योर ऑनर। मुद्दई का अगला गवाह कौन है? हुजूर, मेरा अगला गवाह खुद मुद्दई की बड़ी बहन उषा है। उषा हुजूर की अदालत में एक बयान देना चाहती है, अगर आपकी इजाजत हो तो। इजाजत है। जज साहब, मैं उषा विनोद कुमार की बड़ी बहन हूँ। कुदरती तौर पर मुझे अपने इकलौते भाई से दिली हमदर्दी है। ये मेरा दिल ही जानता है कि मेरे छोटे भाई की जिंदगी किस कदर तल्ख है। मैं जब भी उसकी तरफ देखती हूँ, उसके कमजोर और नहीं जिस्म को देखती हूँ, उसकी मुरझाई हुई सूरत को देखती हूँ, तो बेसाख्ता मेरी आंखों में आंसू आ जाते हैं। कभी कभी तो मुझे उसकी उदास और बुझी बुझी आंखों में दुनिया के तमाम गैर जरूरी लेकिन बेकसूर बच्चों की मौत नजर आती है। जज साहब, मेरी उम्र तो ज्यादा नहीं, शायद 13-14 साल होगी, लेकिन मैं तबीयत की बड़ी हसास हूं। हमारे घर में विनोद को छोड़कर बाकी सबको अपनी अपनी पड़ी रहती है, दूसरे की कोई नहीं सोचता। अगर अपने घर में किसी भी चीज की कमी न होती तो फिर शायद अपनों को खुदगर्जियों से भी निभा हो जाता, लेकिन ऐसी बात तो है नहीं। हमारा घर एक गरीब घर है जहां तंगदस्ती का बोलबाला है। इन हालात के बावजूद हर दूसरे साल बिना नागा घर की आबादी में इजाफा कर दिया जाता है। ये कोई नहीं सोचता कि घर की बढ़ती हुई आबादी का पेट कैसे पलेगा, उसकी परवरिश कैसे होगी। और जज साहब, ये बात सोचे भी तो कौन सोचे, बच्चे तो ये बात सोचने से रहे। ये तो बच्चों के माँ बाप को सोचना चाहिए कि जरूरत से ज्यादा बच्चों से घर की हालत खराब से खराब तर होती जाएगी। लेकिन दुख की बात यह है, हमारे मुल्क में ऐसे वालदेन की जरा भी कमी नहीं जो गरीब होने के साथ साथ जाहिल भी है। यही वजह है जज साहब कि इस मुल्क में आज भी हर दूसरे सेकंड एक बच्चा पैदा होता है। जज साहब, ये एक सीधी सी बात है कि अगर हम बच्चों को सुख और आराम नहीं पहुंचाया जा सकता तो फिर हमें पैदा ही क्यों किया जाता है। हम किसी भी घर में अपनी मर्जी या अपनी खुशी से तो नहीं आते, हमारी खुशी को पूछता भी कौन है। हमको गुर्बत और जहालत के दलदल में जबरदस्ती घसीटा जाता है। हमको तो पैदा करके छोड़ दिया जाता है कि हम भूखे नंगे फिरें और अपने गरीब माँ बाप का नाम रोशन करें, या फिर हमें भूखा मारने के लिए ही पैदा किया जाता है।
यकीन मानिए जज साहब, मुझे इस छोटी सी उम्र में जिंदगी से और जिंदगी की हर शय से नफरत हो गई है, इंतहाई नफरत। यहाँ तक कि जब कभी मुझे कोई औरत अपना सूजा हुआ पेट लिए घूमती फिरती नजर आती है तो मेरा जी चाहता है कि मैं उसको गोली मार दूं। मुझे नफरत है ऐसी औरतों से जो बिना सोचे समझे आए दिन बच्चे पैदा करती रहती हैं। मैं तो हमेशा यही दुआ मांगती हूँ कि ऐसी औरतों का हर फालतू बच्चा पैदा होते ही मर जाया करे। मुझे अपनी जात से नफरत है, मुझे अपने आप से नफरत है। मैं खुद भी तो एक फालतू बच्चा हूँ, मेरी तरह मेरी छोटी बहन वो भी फालतू है, और मेरा भाई विनोद वो जो आपके सामने बैठा है, वो जो एक जलती फिरती लाश से कम नहीं, वो भी फालतू है। हम तीनों को और जिंदा रहने का कोई हक नहीं, न मुझे न मेरी छोटी बहन को, खुद मेरे भाई विनोद। विनोद, विनोद, जज साहब देखिए विनोद को क्या हो गया। जज साहब, ओहो, शायद अचानक बेहोश हो गया है। डॉक्टर डिकॉस्टा कहाँ है? यस योर ऑनर। डॉक्टर डिकॉस्टा, आप जरा विनोद का मुआयना कीजिए, इसको होश मिलाने की कोशिश कीजिए। यस योर ऑनर। अदालत की कार्रवाई जारी रहे। मिलॉर्ड, हो सकता है विनोद की हालत तशवीशनाक हो, ऐसी सूरत में मेरे मवक्किल यानी विनोद कुमार के वालदेन अपने बच्चे के पास अभी और इसी वक्त जाना चाहेंगे, इसलिए मेरी दरखास्त है कि मुकदमे को मुलतवी कर दिया जाए। मिलॉर्ड। यस डॉक्टर डिकॉस्टा, विनोद की तबीयत कैसी है? मिलॉर्ड, विनोद को मौत ने अपनी आगोश में ले लिया। व्हाट? ऑर्डर, ऑर्डर। विनोद, अरे आपको क्या हुआ? आप बड़बड़ा क्यों रहे हैं? नहीं, नहीं, वो तो ख्वाब था, लेकिन सच बताओ मेरा विनोद कैसा है? वो सो रहा है। नहीं, नहीं, मैं उसे अभी देखूंगा। आखिर बात क्या है? मेरा विनोद नहीं बचेगा शकुन। हम गुनाहगार हैं, अब लोग मुजरिम है शकुन, मुजरिम है। हम लोग मुजरिम हैं। अभी आप श्री वी एस एन कैम्फर का लिखा हुआ ये उर्दू नाटक सुन रहे थे। निर्देशक थे दीनानाथ, सहायक कृष्ण कुमार नरूला। भाग लेने वाले कलाकार थे गुलशन कपूर, सोनिया गोगिया, कंचन बाला, ललिता शंकर, विश्वास मोहन, महेश्वर दयाल, भगवान दास, एस पी लाल गोयल, कमला कुमारी चोपड़ा, माला मल्होत्रा, राम अवतार शर्मा और टी आर मेहता। ये कार्यक्रम केंद्रीय नाटक एकांश द्वारा आकाशवाणी दिल्ली पर तैयार किया गया और वहीं से प्रसारित किया जा रहा था।